भोजपुरी में ऐसा क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, और ये यहाँ पे मिल रहा है तो अच्छा बात है। ये देखो क्या कमाल के लोकेशन रखा है भाई, पहाड़, बर्फ, वो दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। ये क्या है, ये क्या है बोलो तुम, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। ओहो एक्शन, अच्छा बात है भाई, भोजपुरी मूवी है, भोजपुरी मूवी है ना, तो इसमें जो शायरी बोल रहा है वो हिंदी में क्यों बोल रहा है, आप लोग बताइए। तो मुझे समझ नहीं आया, आप लोग समझ आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कि भोजपुरी मूवी में जो जितना भी शायरी है सब हिंदी में क्यों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज रिएक्शन करने जा रहा हूँ एक भोजपुरी का ऑफिशियल मूवी ट्रेलर, मूवी का नाम है इश्क। इसमें लीड स्टार में है रॉकिंग स्टार, भोजपुरी के रॉकिंग स्टार प्रदीप पांडे, चिंटू एंड कादर रंगवानी। अगर आप लोग भोजपुरी मूवी या सॉन्ग देखते होंगे तो कादर रंगवानी को आप लोग जानते होंगे, और उसके बाद में विक्रांत रोना, विक्रांत रोना, विक्रांत रोना नहीं, विक्रांत सिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं ये रोमांटिक लव स्टोरी वाला ये मूवी होने वाला है, इसका नाम सुन के ही आप लोग पता चलेगा। तो पहले ये ट्रेलर को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, कैसा है क्या डिटेल में बात करते हैं। भोजपुरी से मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि एक ट्रेलर में 5-6 गीत डाल देता है, 4-5 मिनट का होता है, पर ये अच्छा लग रहा है 3 मिनट 33 सेकंड में जमा है, उसके बाद इंट्रो कट कर 3 मिनट निकलेगा लगभग लगभग, तो अच्छा बात है। तो देखते हैं और डिटेल में बात करते हैं कैसा है क्या है। स्टार्ट। एक से बढ़ के एक सुपरहिट भोजपुरी फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करिए दंगल दंगल ऐप। एप्स। ओके। रॉकिंग स्टार पर से। ओह। भाई। ये वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा है ना, पूरा बर्फ में और पूरा साफ, कलर ग्रेडिंग साफ लग रहा है, ये अच्छा बात है। ओके। ओह। राजकुमार आर पांडे, ये चिंदू पांडे का बाप है, वही निर्देशक किया है, वही निर्माता मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों वही है। ओके। थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है। प्यार प्यार कहाँ रह गए लो, आज लव होता पैसा होता और पैसा छोटा छोटा हो जाता। 33 सेकंड के भीतर में एक सॉन्ग आ गया, मैं क्या बोलूंगा आप लोग बोलो। ठीक है देखते हैं। कुछ भी बोलो आप लोग, पर सॉन्ग में जो कोरियोग्राफी लग रहा है, जो क्वालिटी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं क्वालिटी देखकर मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, भोजपुरी में ऐसा क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, और ये यहाँ पे मिल रहा है तो अच्छा बात है। बिल्कुल भाई, भाई लड़कियन के नहीं, लड़के के भी इज्जत होता है भाई, अच्छा बात है। ओहो ये देखो क्या कमाल के लोकेशन रखा है भाई, पहाड़, बर्फ, वो दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। ओके। ये कंफर्म विलन के इसमें एंट्री होगा, कंफर्म, क्योंकि मैं बोला था कि कंफर्म विलन, क्योंकि 4-5 गाड़ी लेकर विलन ही आता है मूवी में, भोजपुरी में भी वही है, बॉलीवुड में भी वही है, साउथ में भी वही है, 4-5 गाली से आया मतलब विलन होगा, तो ऐसा ही बात है। टोली में भी बैठ जा, ओके। बस हमारा प्यार क्या है। प्यार क्या है दा, देखो हाय एक्शन में तो थोड़ा मतलब कमी है, पर भोजपुरी से इम्प्रूवमेंट लग रहा है, वो अच्छा बात है। मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मतलब हॉलीवुड जैसा एक्शन करो, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, और यहाँ पे दिख रहा है, वो अच्छा बात है। ओहो विक्रांत रोना, यही है विक्रांत रोना नहीं, विक्रांत सिंह, विक्रांत रोना क्यों बोल रहा है पता नहीं, विक्रांत सिंह है ये। ओहो दोनों के नाप के बात कर, मत नाप गहराई हमारा इश्क के, मत नाप तो हर खानदान के खानदान हुए गहराई में डूब के मर जाएगी, मत नाप गहराई मेरा इश्क के, तेरा खानदान के खानदान वही में डूब के मर जाए, भाई क्या डायलॉग है। ओहो जो मजा खुशी में है वो कहाँ है किसी को याद करके। ओके। चलो ना हम दोनों भी पंख लगा के उड़ चले। पैदल लगवाने के डायलॉग में या शायरी में थोड़ा कमजोरी नहीं लग रहा, थोड़ा कम फील नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बोली ठीक है, पर तो फीलिंग है वो फीलिंग कम लग रहा है। आसमान के किसी कोने में। ओहो दो नंबर सॉन्ग, सॉन्ग कैसा भी हो भाई, लोकेशन मुझे जीत लिया भाई, ये क्या कमल, ये क्या था भाई, ये क्या है, ये क्या है बोलो तुम साला। मजबूर हो लैला ताड़ पर से लबनी उतार के
अब ये क्या है, ये कौन डांस है भाई? वीडियो क्वालिटी इंप्रेसिव है भाई। तो जाओ इश्क अपना दिल में दफना के राख कर दिले बाड़ा, वो अधूरा इश्क हम पूरा करो। जहां तुम जाना चाहती हो मैं वहां होकर आया हूं, इश्क मत करना। देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट था, मतलब काजल अंगवानी के भी और प्रदीप पांडे के भी, दोनों में कितना डिफरेंस है। काजल अंगवानी के बोले ठीक है पर जो फीलिंग है नहीं है, और चिंटू पांडे में है। यही बात है कि मतलब जो शायरी या डायलॉग डिलीवरी में ना सिर्फ बोलने से नहीं होता है, फीलिंग भी आना चाहिए। और यहाँ पे फीलिंग, यहाँ देखो तो ये काजल अंगवानी का है। काजल अंगवानी जाना चाहती हो मैं वहां होकर आया हूँ, इश्क मत करना। देखो चिंटू पांडे कितना सही है, कमाल के भाई, बंदा कमाल किया। ओह तीन ठीक है, अच्छा ये सॉन्ग इंप्रेसिव लगा है। बस कुछ अल्फाज बाकी है। ये भोजपुरी मूवी है ना, है कि नहीं? भोजपुरी मूवी में डायलॉग या शायरी हिंदी में क्यों बोल रहा है, कमेंट कीजिए तो बताइए। तो पता नहीं क्यों क्यों बोल रहा है, भोजपुरी में बोलो। इश्क रात भर उसी के लिए नहीं सोने देता जो दिल में होता है। हिंदी में इम्प्रूवमेंट है भाई, एक्शन में इम्प्रूवमेंट है। भाग रहा है लेकर, ओके इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। ओहो एक्शन अच्छा बात है भाई, अच्छा बात है। दोनों को मार दिया, इश्क के किस्मत के लकीर के ना बदल जा सके। ओके देखो सबसे पहले ये मूवी का ट्रेलर है ना, 3 मिनट 20 सेकंड का है। इंट्रो पीछे से इंट्रो निकाल दो आउट्रो, ये 3 मिनट का बच गया। 3 मिनट का ट्रेलर अच्छा होता है, इंप्रेसिव होता है। सबसे पहले ये मूवी या ये ट्रेलर देखकर मुझे क्या बहुत ही भया और क्या बहुत ही इंप्रेसिव लगा, बहुत ही मजा के लगा, इसका वीडियो क्वालिटी भाई क्या साफ रखा है। ऐसा साफ नहीं मिलने को देखने को मिलता है भोजपुरी में, भोजपुरी में गंदा ही मिलता है, पर यहाँ पे साफ कलर ग्रेडिंग मतलब एकदम एकदम अच्छा। उसके बाद में लोकेशन, बरफ का लोकेशन, पहाड़ का लोकेशन, पानी का भी लोकेशन, जहाँ का भी लोकेशन है ना, देख कर लग रहा है कि हाँ भाई बंदा मतलब घूम घूम कर शूटिंग किया है, अच्छा शूटिंग किया है देख कर लग रहा है। और तीसरा बात इसमें जो प्रदीप पांडे चिंटू का जो डायलॉग डिलीवरी जो शायरी है ना वो इंप्रेसिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रदीप पांडे का लगभग लगभग हर एक मूवी में ना तो एक दो कम से कम शायरी होता ही है। और उसका फर्स्ट मूवी या सेकंड मूवी आया था जीना तेरी गली में, वो भी ऐसे किस्म के था शायरी बोलकर और इस किस्म के, तो वहां पे भी इंप्रेसिव डायलॉग रहा था। तो प्रदीप पांडे और चिंटू जो है ना वो अच्छा डायलॉग डिलीवरी करता है, मतलब ये शायरी के टाइप में शायरी बहुत ही कमाल का बोलते, तो उनका देखकर इंप्रेसिव लग रहा था, मतलब एक फीलिंग वाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और वहीं पे काजल अंगवानी के डायलॉग अच्छा लग रहा था, पर शायरी बोल रहा था ना तो वहाँ पे मतलब ठीक है, ठीक बोल रहा था, मतलब एकदम कम्युनिकेट सही कर रहा था, पर जो फीलिंग है ना वो थोड़ा मतलब चुक रहा था। आप लोग बोलो या नहीं बोलो, थोड़ा मतलब होता ना कमी होता ना, कि सब कुछ ठीक तो है, जैसे मांस बना दिया सब कुछ ठीक है, पर उसमें थोड़ा वो मीट मसाला नहीं डालोगे ना तो अच्छा नहीं लगता, वैसे किस्म का लग रहा था। उसके बाद में विक्रांत सिंह का जो विलन का रोल किया है, जो एक्शन किया है, वो अच्छा लग रहा है देख कर लग रहा है। दोनों मतलब चिंटू पांडे और उसके बाद में ये विक्रांत सिंह एकदम रहेगा, एकदम अच्छा लगेगा, मतलब दोनों बड़ा बड़ा हीरो है तो अच्छा लगेगा। एक्शन में इसमें जो है ना जितना भी एक्शन दिखा, मतलब 5-6 जगह पर एक्शन दिखा, अच्छा नहीं है एकदम हाई क्वालिटी के हॉलीवुड टाइप के, पर बॉलीवुड नहीं भोजपुरी से इंप्रेसिव है। भोजपुरी से मतलब लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा काम किया है, मतलब इम्प्रूवमेंट किया है, और देख कर लग रहा है मतलब हाँ ठीक ठाक लग रहा है। और विलन जो और भी बाकी विलन है अच्छा है। इसे कहानी कैसा है क्या है, इक्स वाला कहानी है, दोनों प्यार करेगा बाद में बीच में कुछ कारण से पिछोड़ होगा और इसमें विलन आएगा, विलन मारा होगा लास्ट में, इसमें लग रहा है शायद मर जाएगा दोनों, क्योंकि जीना की तरी गली में भी वैसा ही हुआ था, नहीं मरा नहीं था पर ऐसे किस्म के था। तो इक्स मूवी का नाम है तो आप लोग पता है कि इक्स। ओवरऑल ये ट्रेलर देखकर मुझे इंप्रेसिव लगा भोजपुरी की तुलना में, तो क्या मतलब मेरा भोजपुरी बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो आप लोग इसका ऑफिशियल ट्रेलर देखना चाहते हो डिसीजन मेकिंग का, जाकर देखिए इंप्रेसिव इंप्रेसिव अच्छा है। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। और एक बात लास्ट में मुझे बोलना है, भोजपुरी मूवी है, भोजपुरी मूवी है ना,
तो इसमें जो शायरी बोल रहा है वो हिंदी में क्यों बोल रहा है आप लोग बताइए। तो मुझे समझ नहीं आया, आप लोग समझ आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कि भोजपुरी मूवी में जो जितना भी शायरी है सब हिंदी में क्यों। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और ऐसा ही भोजपुरी के डिटेल में, भोजपुरी टेलर के एकदम चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग सब्सक्राइब करोगे कुछ नहीं होगा, पर मुझे एक अच्छा फीलिंग होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।